हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्स फूड। आज हम आप लोगों को क्रिस्पी से मज़ेदार से पालक के पकोड़े बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले बेसन चाहिए होगा, फ्रेश कटी हुई पालक, एक खाने का चम्मच काली मिर्च और नमक, रेड चिली फ्लेक्स, कटी हुई हरी मिर्च, अनारदाना, सूखा धनिया और आलू। सबसे पहले हम आलू को स्लाइस करके इसे लंबा लंबा फिंगर चिप्स की शेप में काट लेंगे। अब हम पालक को किसी भी बड़े बर्तन या बाउल में डाल लेंगे। पालक को डालने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। पालक से पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। पालक और आलू डालने के बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, सूखा धनिया डालेंगे और उसके बाद पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च के बाद हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मसाले और सब्जियां आपस में मिक्स हो जाएं, फिर हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हम थोड़ी मकदार में डालेंगे ताकि आलू और पालक अच्छे से आपस में जुड़ जाएं और फ्राई करने के बाद पकौड़े क्रिस्पी रहें। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि पकोड़ों का मिक्सचर रेडी है। अब हम एक बर्तन में कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हम इसमें एक एक करके पकोड़े शामिल करेंगे और उन्हें अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक एक करके हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप पकौड़ों को किसी भी केचप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार से पालक पकौड़े रेडी हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।